श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीकडून राकेश टिकेत यांचा सत्कार करण्यात आलेला आहे. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसी लागू करणं गरजेचं होतं. काँग्रेसने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यानं काँग्रेसची सत्ता गेली असं प्रतिपादन शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांनी पंढरपूर येथे माध्यमांशी बोलताना केलं आहे. तो आज वह सरकार राज करती है भाई, मैं बता दे रहे आप क्या पूछोगे. अगर वह फॉलो, उसने फॉलो क्यों नहीं करा, आप यही तो पूछ रहे. उसने फॉलो नहीं किया तो वह चली गई, और जो उसके विचारों को लेकर आए कि हम उनके विचारों को और उनकी जो नीति है उसको लागू करेंगे, इनके 14 के घोषणा पत्र में था. आज 10 साल हो गए उन्होंने फॉलो नहीं किया, ये भी जानेंगे. चुनाव में किसानों की बात करते हैं, चुनाव के बाद जब सत्ता आती है घोषणा पत्र में जो उन्होंने कहा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हो उसको लागू करें. बहुत जगह, बहुत स्टेट में जब चुनाव होते हैं तो ये बिजली की जिक्र नहीं करते, लेकिन जब सरकार आती है तो फिर ये अलग अलग योजनाएं लेकर आते हैं. घोषणा पत्र के आधार पर ही काम कर लो, ये कहते कुछ हैं और करते दूसरी चीज़ें हैं. आगे क्या रहने थे? आगे जिस स्टेट में आंदोलन मजबूत होंगे वो स्टेट बचेगा. देश में किसान मजदूर आंदोलन ठीक रहेंगे तो लड़ाई लड़ते रहेंगे. हमारा काम है कि जो मुद्दे हैं उनको उठाना, हम उन मुद्दों पर काम करेंगे. MSP गारंटी कानून देश को चाहिए. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्या इसलिए हो रही कि किसान संगठन कमजोर है. यहाँ पे भी हम संगठन को बढ़ाने का काम करेंगे जिससे यहाँ का किसान सुसाइड ना करे. महाराष्ट्र में किसान संगठन के जो नेता है उन्होंने उनको सरकार